प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं रेवरेंड शालोम बैनर्जी, इंटरनेशनल पेंटेकोस्टल होलनेस चर्च, विकासपुर, नई दिल्ली से। आज मैं आपके सामने एक वचन लेकर के आया हूँ। मेरे साथ आप लोग अपने बाइबल में खोल सकते हैं, यूहन्ना उसका एक अध्याय उसका 16 आयत। यूहन्ना उसका एक अध्याय उसका 16 आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम प्राप्त किए, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह के परिपूर्णता में आप और मैं पाते हैं अनुग्रह पे अनुग्रह। वो बहुत ही आवश्यक है कि हम उसके परिपूर्णता में अनुग्रह पे अनुग्रह हम पाते चले जाए, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं, क्योंकि उसने हम पे अनुग्रह किया है और एक नया जीवन उसने हमें बीच में दिया है। और ये जीवन जो है अनुग्रह के द्वारा जब हम पाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के परिपूर्णता में हम इस चीज को प्राप्त करते हैं। इंग्लिश में बहुत ही अच्छा इसका ट्रांसलेशन है, इन हिज फुलनेस ऑफ ग्रेस वी हैव रिसीव्ड ब्लेसिंग्स वन आफ्टर अनदर, अर्थात उसके अनुग्रह के द्वारा हमने एक के बाद एक आशीष को पाया है। और हम इस बात को जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आशीष हमारे जीवन में एक के बाद एक नई तरीके से हमारे जीवन में आती है। अनुग्रह वो हमारे जीवन में रोज ब रोज अनुग्रह देता है, उस अनुग्रह के द्वारा हम इस संसार में जीवित पाए जाते हैं। बहुत सी कठिनाइयां हमारे जीवन में आती है, बहुत से उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, पर उसका अनुग्रह है जो हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करता है। उसकी आशीष है कि हम भले चंगे पाए गए, हमारे उसकी आशीष है कि हम जब विपरीत परिस्थिति में थे तो उसके आशीष उसका अनुग्रह हमारे लिए इस प्रकार से आया कि हम उस परिस्थिति से निकल करके आगे बढ़ने वाले हो सके। आज हम आशीषित जीवन जी रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में हम यह अनुग्रह पाते हैं, अर्थात हम आशीष को पाते हैं। और यह आशीष जो है वो प्रभु यीशु मसीह बहुत आयत से आपको और मुझको देने के लिए आया है। वो अनुग्रह उसने हमें दिया है, इस अनुग्रह में हम पाए जाते हैं। ये उसका हमारे प्रति में प्रेम है जो उसने अपना अनुग्रह हमारे लिए दिया है, और इस अनुग्रह में हम अनंतता की जीवन को हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसके अनुग्रह में हम शामिल किए गए हैं, उसके आशीष में रोज बर रोज हम उसकी आशीष अपने जीवन में देखते हैं और उन्नति की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। हम वचन के अनुसार जब अपने जीवन को जीते हैं तो हम आशीष की बातें उसमें पाते हैं, हम अनुग्रह की बातें उसमें पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस मृत्यु को दे करके और जीवन को प्राप्त करके उस अनुग्रह में हमको प्रवेश करवाया है। वो हमारे लिए एक आशीष को लेकर के आया है उस बात को। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो अनुग्रह को रखे, वो आशीष को आपके जीवन में दे, जिससे आप परिपूर्णता में, प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में इस अनुग्रह को रोज बर रोज, आशीष को रोज बर रोज पा करके बढ़ते चले जाए। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय जो आपके बीच में हम पाते हैं। यीशु मसीह आपका वचन स्पष्ट रूप से हमारे बीच में आता है। यीशु मसीह आपके परिपूर्णता में हमने अनुग्रह पे अनुग्रह पाया है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह अनुग्रह के लिए जो हमारे लिए यीशु मसीह आपने हमारे बीच में दिया है। और यीशु मसीह आशीष जो आप हमारे बीच में रोज बरोज देते हैं उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। पिता आपका नाम ऊंचा किया जाए और यीशु मसीह उस आशीष को पाते हुए हम दूसरों के लिए आशीष का पात्र बन जाए, ताकि हमारे द्वारा यीशु मसीह लोग आपको जानने वाले और देखने वाले हो सके और आशीष के यीशु मसीह संतान होने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं। सुनी करें कीजिए। आप सब इसी प्रकार से कल एक और नया वीडियो देखने वाले हो सकते।